Start with this initiation process. You simply initiate, you build, and then implement and review. इसपे हम specific. मैं intervention का word बार-बार इस्तेमाल कर रहा हूँ. I hope you all understand, right? In an organization, there is a problem. There is an intervention required. Sometimes it is by an internal group within the organization. Sometimes the organization wants somebody from outside to come evaluate this situation, intervene. And you know, एक इंजेक्शन लगा के उसको ठीक किया जाए. बट आमतौर पर फ्लो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो बिल्डिंग से हो जाता है. इनिशिएशन शायद मिस हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अलाइनिंग द केपीआई डेवलपमेंट विद अदर चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, अदर इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजीज, एक बेसिक पॉइंट है. आप केपीआई डेवलप करना चाह रहे हैं, अलाइनमेंट है या नहीं? बाकी और ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल, एक तरफ सिक्स सिग्मा भी किसी और टीम ने एग्जीक्यूट किया हुआ है और आप लोग साथ TQM भी स्टार्ट कर रहे हैं, BPR के लिए एक और कंसल्टेंट हायर कर लिए, देयर इज नो अलाइनमेंट. एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ KPIs. शायद मेरी नजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूजर है अगर आप उसको हाउ बता देते हैं और वाई नहीं बताते हैं, और स्पेशली द नॉलेज वर्कर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लेबर, the knowledge worker needs to know the why of the task he or she is performing. How generally asaan hota hai, right? And then obviously ek sequential process hai. Ye maine aapke samne isliye flash kiya ki this is a complete exercise, a complete intervention which needs to be carried out. There are questionnaires made which are you know sent and you know evaluated back, post processed, where we actually come up with then KPIs for the organization. खामोशी होगी है वैसे आप लोगों की तरफ से, इसके दो मतलब ही होते हैं, या सब कुछ समझ आ रहा है या आर वी अलाइंड. आई होप वी आर कंफर्टेबल. वो मेरे लेवल भी ऐसा है कि ऊपर से जा सकता है. ठीक है सर, कोर प्रोसेसेस के बारे में आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर. वी सेड to have the KPIs, to hit the right numbers on the KPIs, we need to have processes in place, and their users and sponsors are the ones who use the particular core process. Aur hota kya hai aakhir mein, jis tarah maine kaha I am a practicing manager, I am not just you know a theoretical consultant. Aapke haath mein is tarah ki koi cheez honi chahiye for the organization. This is the job of the organizational excellence department. आम तौर पे अब HR को से separate एक organizational excellence की team आम तौर पे काम करती है. This is what they need to have with them. They need to have a CSF number. The owner of the CSF. What are the KPIs which will ensure that this CSF is you know are related to this CSF, and then core processes impacting this CSF. So on process number. का मतलब है कि किसी जगह प्रोसेस इंजीनियरिंग हुई होगी, फ्लो चार्ट्स बने होंगे, प्रोसेस ओनर्स डिफाइन हुए होंगे, टाइमलाइंस, ओनरशिप्स, ऑल दोस थिंग्स वुड बी डन समवेयर. एंड देन व्हाट वी हैव इज अ कंप्लीट प्रोसेस बेस्ड यू नो सीएसएफ, जहां पे इंपैक्ट ऑन द अदर सीएसएफ्स भी, यू नो वन प्रोसेस इज नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ एक ही किसी केपीआई को या सीएसएफ को इंपैक्ट कर रहा होगा. वन प्रोसेस वुड इंपैक्ट You know, cross impact other KPIs. So, अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की कोई चीज बन जाती है तो हम कह सकते हैं कि या the organization's excellence framework has been built in totality and not just in isolation. बैलेंस स्कोर कार्ड आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं? यस और नो? कोई नो भी हैं? सबकी ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं? दैट्स अ गुड साइन. दिस मींस कि हम चार जो एरियाज डिफाइन कर लेते हैं, अगेन वो चार एरियाज को हम सीएसएफ्स भी कह सकते हैं. पांचवी डायमेंशन एक ऐड हुई है जिसको मैंने सोसाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन कहा है. But yeah, those four the CSFs can be simply translated into KPIs, which are put in the balance scorecard for your organization.
और वो हर वक्त आपको डैशबोर्ड नजर आ रहा है, आप गाड़ी चला रहे हैं आपको नजर आ रहा है स्पीड कितनी है, यू नो हीटर से मतलब व्हाट इज द टेम्परेचर, गियर कौन सा चाहिए, आरपीएम क्या है, एवरीथिंग। सो आई थिंक इफ यू आर ऑल फेमिलियर विद द स्कोर कार्ड, आई विल स्किप मोस्ट ऑफ इट। फाइनेंशियल तो आप लोग मेरे से बेहतर समझते हैं। आमतौर पे जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, जस्ट फॉर योर नॉलेज इन केस यू डोंट नो, वो आमतौर पे गैप टू कंपटीशन के रेफरेंस से क्वांटिफाई की जाती है। सो यू डोंट डू इट इन आइसोलेशन, सो यू डू एन इंडस्ट्रियल लेवल यू नो सर्वे सेटिस्फेक्शन एंड देन यू आस्क योर कस्टमर्स दैट हाउ वेल और पुअरली you are performing as compared to the competition, because customer satisfaction ko absolute terms mein measure karna zara zyada mushkil hota hai, relative terms mein acche KPIs aapko mil jate hain, and I think dusra ek area jo hai wo human capital index ka bhi hota hai, aap log HCI aapke organizations mein banta hai human capital index report hota hai, आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में आई मीन एट द एंड ऑफ द ईयर और क्वार्टरली और हाफ ईयरली कि HCI बनती है, उसका जो भी अंग्रेजी में नाम है कोई इंडेक्स बनता है जो कि समथिंग लाइक दैट, यस यस एग्जैक्टली, एंड देन यू नो दे गेट बैक टू यू एंड से कि जी ये एरियाज हैं जिसमें हमने अच्छा परफॉर्म किया है, हमारा स्कोर अच्छा था, और ये वो एरियाज हैं, लेट्स से एम्पावरमेंट, लोगों ने कहा है जी कि लोग बहुत ब्यूरोक्रेटिक हैं, एम्पावर नहीं करते, एंड सो ऑन। तो इस तरह के क्वेश्चनियर से जब आप यू नो डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए यू गेट अ रीजनेबल एस्टिमेशन ऑफ हाउ इज योर ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल परफॉर्मेंस, और ये हमारा वो जो स्कोर कार्ड अगर हम देखें तो उसके पीपल डोमेन में आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू स्किप। इस तरह की कोई चीज मतलब हमारे कहीं डेस्क पे लगी होनी चाहिए, right, at all levels in the organization, not in the boardroom. Sorry, लीडरशिप की इंटेंट पे डिपेंड करता है, इसका ये जवाब है। लीडरशिप की इंटेंशन क्या है? अगर तो लीडरशिप की इंटेंशन ये है कि उसने अच्छे ही नंबर दिखाने हैं, तो फिर अच्छे नंबर, लीडरशिप हैज द लेट्स से द पावर एंड कंट्रोल टू मेक श्योर दैट हैपेंस, और उसमें इससे ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, इट्स द टाइमिंग ऑफ द सर्वे ऑल्सो। एरिक्सन पाकिस्तान में हम लोगों ने 2007-8 में प्राइसेस का एकदम थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो वी गेव एन इन्फ्लेशनरी अप्रेजल ड्यूरिंग द ईयर बिफोर द एनुअल अप्रेजल, और उसके फौरन बाद हमने एचआर डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉई सर्वे करवा लिया एंड वी गॉट यू नो 90% एंड हम सबके बोनस वगैरह बड़े अच्छे हो गए। तो इट्स द टाइमिंग ऑल्सो, एंड अगर तो इंटेंट ही लीडरशिप की ये है कि उन्होंने एक अच्छा नंबर दिखाना है, तो फिर तो आप चाहे एक्सटर्नल कंसल्टेंट से करें चाहे आप इंटरनली करें, देन द नंबर्स विल बी ट्विक्ड। सो इट्स द पर्पस, किस लिए कराया जा रहा है। किसी जगह शो करने के लिए, किसी नंबर में, किसी मार्केट परसेप्शन, हमारे वन ऑफ आवर नेक्सस टेलीकॉम, हमारे देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड नोजर ग्रुप, इट्स अ स्विस ग्रुप हु ओन्स यू नो multiple companies, one of the companies is Nexus Telecom, and we had a major restructuring planned 2011, which was actually internally done, and even the premises were also shifted.